पिछले साल हुंडई के इंडिया सब्सिडरी जो इंडिया हुंडई इंडिया है उनके जो एमडी सीईओ जो हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि इंडिया मार्केट के लिए मेनली उनका एक प्लान भी है कि एक मिनी एसयूवी को उतारना। अब आपको भी पता है कि मिनी एसयूवी की ट्रेंड कितनी ज़्यादा चल गई है, अपकमिंग टाटा की H2X है, मारुति सुजुकी की S-Presso है, क्विड भी अपडेट हो जाएगी कुछ एक दिन में, इग्नेस, कितने सारे मिनी एसयूवी ऑलरेडी मार्केट में है, बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है। उस प्राइस पॉइंट पर एक और नई मिनी एसयूवी हुंडई भी निकालना चाहती थी पिछले साल, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि हुंडई की जो साउथ कोरिया की जो हुंडई की जहाँ से हुंडई आती है वहाँ पे जो उनकी प्लांट है वहाँ पे उनका काम चालू हो गया है एक न्यू मिनी एसयूवी डेवलप करने का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली इस नई मिनी एसयूवी जो है वो कब आएगी, क्या इसमें नए नए चीज़ें होंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकती है, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं। देखिए अभी ये मिनी एसयूवी तो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज पे है, तो इसमें मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको वो मेनली मैं अपने हिसाब से आपको रिफ्रेन करके दे रहा हूँ, अपने जहाँ से भी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है उसको एक साथ कंबाइन करके ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कोई भी इमेजेस नहीं है क्योंकि अभी काम जस्ट चालू हुआ है हुंडई की साउथ कोरिया में, जहाँ पे इसको कोड नेम दिया गया है हुंडई की AX। मेनली इनको वो वहाँ पे अपनी साउथ कोरियन मार्केट में हुंडई एटोस, मतलब एक बहुत ही पुराना कार जो हमारे पुराने ज़माने में जो सैंट्रो आती थी ना वो बाहर एटोस के नाम पे बिकती थी, तो उसका सक्सेसर के हिसाब से उसको रिप्लेस किया जाएगा। बाकी हुंडई सैंट्रो यहाँ पे इंडिया में आई थी, जो हुंडई एटोस थी बाहर वो हुंडई सैंट्रो बन के इंडिया में आई थी। उसके बाद से अभी तो नया रिसेंटली हुंडई ने ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में नया सैंट्रो निकाल दिया है, लेकिन अभी हुंडई एटोस को रिप्लेस करने के लिए साउथ कोरियन मार्केट में एक मिनी एसयूवी बेस्ड एक कार डेवलप की जा रही है जो कि इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है कि ये पहुंचा दिया जाएगा। तो इसमें जो मेनली लेंथ वगैरह है उसमें मैं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये पोजीशन किया जाएगा हुंडई सैंट्रो और ग्रैंड i10 के बीच, मतलब इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 4 लाख के आसपास होगी। ये जो हुंडई की मिनी एसयूवी है ये कॉस्ट कटिंग करने के लिए यूज़ करेंगी अपनी जो हुंडई सैंट्रो की प्लेटफॉर्म है वो, और उसके साथ साथ इंजन सेट मेनली 1 लीटर रहे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन ये नया 1 लीटर इंजन तो डेवलप नहीं करने वाले हैं, ये रहेगा 1.1 लीटर की जो पेट्रोल इंजन है सैंट्रो के पास वही रहेगा। यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही मिलने की आपको पूरी पूरी संभावना रखनी चाहिए। फिलहाल तो इतना ही हम बात कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। हुंडई एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और क्वालिटी पे खेलने वाली ब्रांड है, सैंट्रो में भी आपने देखा था इंटीरियर क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो यहाँ पे भी आपको इंटीरियर क्वालिटी भी अप टू द लेवल मिलेगी, बहुत ही अच्छा फीचर पैक्ड और इंटीरियर क्वालिटी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि हुंडई इस जो नई मिनी एसयूवी निकालेगी उसको अच्छे से प्राइस करे तभी ये एकदम श्योर शॉट हिट होगी, नहीं तो सैंट्रो की तरह थोड़ी सी इम्प्रोपोर्शनल लगेगी टू द प्राइस। अगर ये हुंडई ने इसको कंफर्म कर दिया इंडिया के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ऑटो एक्सपो 2020 में शोकेस कर दिया जाएगा, मतलब कि फरवरी में जो ऑटो एक्सपो होने वाला है उसमें ये कार आपको दिखते हुए मिल जाएगी, एक कॉन्सेप्ट व्हीकल रहेगा लेकिन आपको दिखते हुए मिलेगा, और उसको देखने के बाद जो लॉन्च होगी उसको आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 2021 में ही, क्योंकि अभी तो कार बनना जस्ट स्टार्ट हुआ है, कंसेप्ट व्हीकल बनेगा फिर उसमें एम्प्लीफाई करके काम चलेगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर एक बार साउथ कोरिया में बन जाए फिर इंडिया में आके नहीं होगी, तो अभी टाइम है आने में, बहुत ज्यादा टाइम है, अभी तो जस्ट काम चालू हुआ है। देखते हैं ये कार जब इंडिया में आएगी तब कैसी प्रोपोर्शंस में रहती है, क्या ये टाटा H2X को मेनली एम करेगी या मारुति सुजुकी S-Presso को, तो ये देखने की बहुत ही अच्छी बात होगी। आप भी कमेंट्स में सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि कौन सी सेगमेंट को मेनली ये एम करना चाहिए, मारुति सुजुकी S-Presso वाली सेगमेंट को एम करनी चाहिए या टाटा की H2X, दोनों ही सेगमेंट में हुंडई के पास कार नहीं है, एक बजट ऑफरिंग में नहीं है और एक एंट्री लेवल बजट ऑफरिंग जो है मारुति सुजुकी S-Presso, बजट ऑफरिंग में तो उनके पास सैंट्रो
है और यहाँ पे मिनी एसयूवी जो टाटा की H2X इग्निस ये सब है, इनमें भी हुंडई के पास कोई कार नहीं है। तो आप कहिए कि आपको कौन सी सेगमेंट में ये कार चाहिए, ये नीचे जरूर से जरूर कमेंट डाउन कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा देना। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे भी आपको मिलते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, साइड में घंटी का भी बटन जरूर से जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे और इससे भी बढ़िया इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कार रिव्यूज, कंपैरिजन, फिर उसके बाद प्रोस एंड कॉन्स, क्या ये कार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, ऑटो इंडस्ट्री के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दिया जाता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।